नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी ने पटना आते ही बढ़ाई टीम। एसटीईटी परीक्षा परिणाम में अभिनेत्री की तस्वीर मामले में समिति ने की जांच। बिहार के 11 जिलों में येलो अलर्ट हुआ जारी। बिहार के पूर्व डीजीपी आए नए रूप में। बिहार के 12 नगर निकायों को मिली करोड़ों रुपए की राशि। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसटीईटी परीक्षा परिणाम में अभिनेत्री की तस्वीर मामले में समिति ने की जांच। बीएसईबी की तरफ से एसटीईटी परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अभिनेत्री को शिक्षिका बनाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद परीक्षा तंत्र और सरकार की खूब आलोचना भी हुई। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर समिति ने बिंदुवार जानकारी साझा की है। समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की परीक्षा में सम्मिलित होने के जहानाबाद जिले के एक अभ्यर्थी ऋषिकेश कुमार ने अपना परीक्षा फॉर्म भरते समय स्वयं अपने फोटो की जगह दक्षिण भारतीय अभिनेत्री का फोटो अपलोड किया था। मौका देने के बावजूद ऋषिकेश कुमार द्वारा अपने फोटो में कोई सुधार नहीं किया गया और अभिनेत्री का ही फोटो रहने दिया गया, जिससे उनके समिति को बदनाम करने की गलत मंशा परिलक्षित होती है, जिसके बाद समिति द्वारा इस मामले में ऋषिकेश कुमार से अपना फोटो त्रुटिपूर्ण अपलोड करने के लिए तथा कई अवसर प्रदान करने के बावजूद भी त्रुटि सुधार नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी। इतना ही नहीं, जानबूझकर समिति की छवि को धूमिल करने के लिए ऋषिकेश कुमार के एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थित्व को रद्द भी किया जा सकता है। बहुमंजिला इमारत के निर्माण के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पूरी की सुनवाई। हाईकोर्ट के पास बने बहुमंजिला इमारत के निर्माण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन जस्टिस अश्विन कुमार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच ने अपनी सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके बाद अब कोर्ट इस मामले को लेकर अपना फैसला अगले महीने की 19 तारीख को सुनाने वाली है। याद हो, पिछली सुनवाई के दौरान इस भवन निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब देने को कहा था कि इस भवन के निर्माण के लिए अनुमति दी जाए। बिहार के 11 जिलों में येलो अलर्ट हुआ जारी। बिहार में मॉनसून फिलहाल सक्रिय है। हालांकि बिहार के कई जिलों में बारिश से राहत तो मिली है, वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने अब बिहार के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के जिलों में 25 और 26 जून को वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही 28 जून को उत्तर बिहार के सभी जिलों के लिए ठनका और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों के लिए 25 और 26 जून को ठनका और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उसमें लोगों से खास सावधान रहने की अपील की गई है। इसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई और खगड़िया का नाम शामिल है। इसके साथ ही सीमांचल के इलाकों में इन दो दिनों में एक दो जगहों पर भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। उद्योग मंत्री ने बिहार को 14,000 करोड़ के आसपास निवेश का प्रस्ताव मिलने की कही बात। औद्योगीकरण के मामले में बिहार आज भी काफी पीछे है। हालांकि बिहार में उद्योग की लहर लाने की कोशिश में बिहार सरकार भी जोर शोर से काम कर रही है। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने यह दावा किया है कि सरकारी प्रयासों के तहत अब तक बिहार में 13,717 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आ चुका है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में जल्द ही इथेनॉल पॉलिसी लाने, ऑक्सीजन पॉलिसी के बनकर तैयार होने, राज्य के 6 कमिश्नरी में फूड पार्क बनाने, टेक्सटाइल पॉलिसी को शीघ्र मंजूरी देने, सेरामिक टाइल्स और शीशा पॉलिसी जल्द लाने और एक्सपोर्ट पॉलिसी पर काम जारी रखने की बात कही है। इस बाबत अर्थशास्त्री अरुण शाश्वत ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार सरकार को प्रस्ताव जरूर होंगे। उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाएं और यहां लंबे समय तक व्यापार करें, इसके लिए उन्हें उचित माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है। देश के 6 राज्यों में विकसित होगी मुजफ्फरपुर की लीची। मुजफ्फरपुर की लीची आज देश से विदेश तक अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि देश के 6 राज्यों ने भी अब अपने यहां पर मुजफ्फरपुर की लीची विकसित करने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में विकसित लीची की 3 प्रजातियां गंडकी योग्यता, गंडकी लालिमा और गंडकी संपदा 50-50 पौधे देश के अलग अलग राज्यों में भेजने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार ये पौधे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर पश्चिम बंगाल, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड, RCER रिसर्च सेंटर नामकुम रांची झारखंड, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन हिमाचल प्रदेश और सेंट्रल हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन चिताली कर्नाटक भेजे जाएंगे, जिसके तहत अब इन जगहों पर लीची के उत्पादन के लिए मिट्टी की गुणवत्ता को परखा जाएगा। बिहार के पूर्व डीजीपी आए नए रूप में नजर। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं, वहीं अब एक बार फिर से गुप्तेश्वर पांडे का नाम मीडिया में तेजी से फैल रहा है। हालांकि इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि गुप्तेश्वर पांडे इस बार अपने बयान के लिए नहीं बल्कि अपने बदले रूप के लिए चर्चा का पात्र बन गए हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में गुप्तेश्वर पांडे की तस्वीर कथावाचक के रूप में लगाई गई है। इतना
इतना ही नहीं, इस पोस्टर में उन्होंने ऐप के माध्यम से सभी लोगों से वाचन के लिए जुड़ने की अपील की है। आपको बता दें, गुप्तेश्वर पांडे ने अपने कार्यकाल के दौरान समय से पहले ही वीआरएस ले लिया था, जिसके बाद उनके राजनीति में आने की प्रबल संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन राजनीति में तो उन्हें एंट्री नहीं मिली, लेकिन बतौर कथावाचक लोग उन्हें एक बार फिर से देखने वाले हैं। बिहार के 12 नगर निगमों को मिली करोड़ों रुपए की राशि, नगर निकायों को अब वित्तीय संकट से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के 12 नगर निगम को राज्य सरकार की तरफ से 113,43,47,802 रुपए की स्वीकृति मिल गई है, जो कि राज्य सरकार की तरफ से 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के क्रम में स्वीकृति की गई है, जिसके बाद अब जारी की गई राशि का 50% हिस्सा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण योजना पर खर्च किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 6वें राज्य वित्त आयोग के गठन के साथ ही इसकी अनुशंसा प्राप्त न होने की स्थिति में नगर विकास और आवास विभाग ने 5वें वित्त आयोग की शर्तों के क्रम में इस राशि को स्वीकृति दी है। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को यहां मिलेगा मुफ्त अनाज। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में उत्पन्न हो रही आशंकाओं को देखते हुए समय समय पर सरकार की तरफ से नए नए पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। इसी क्रम में लोगों का रुझान वैक्सीन की तरफ बढ़ाने के लिए बिहार के गया जिले के बोधगया की एक सामाजिक संस्था ने अनोखी पहल की है, जिसके तहत वैक्सीन लेने वालों को यह संस्था मुफ्त राशन देने का काम कर रही है, जिसके तहत ही बोधगया की एक संस्था सिद्धार्थ कैंपेशन वैक्सीन लिए हुए व्यक्ति को मुफ्त में एक सप्ताह का राशन दे रही है। अभी तक इस संस्था ने 2000 से अधिक लोगों के बीच राशन वितरण किया है। बिहार के सबसे बड़े दवा मंडी में लाखों की दवा हुई खाक। बिहार के सबसे बड़े दवा मंडी में आज सुबह भीषण आग देखने को मिली। पीर बहोर थाना क्षेत्र स्थित दवा मंडी, गोविंद मित्रा रोड स्थित महिमा पैलेस स्थित बिरला फार्मा में आग लगने से लाखों की दवाइयां राख बन गई हैं। दुकान के संचालकों की माने तो यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हालांकि इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने सूझबूझ से काम लेते हुए आग पर काबू पा लिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गोविंद मित्रा रोड को सूबे की सबसे बड़ी दवा मंडी माना जाता है। प्रदेश के सभी जिलों से दवा विक्रेता यहां खरीद बिक्री के लिए आते हैं। इसके लिए आम लोग भी बड़ी संख्या में यहां दवाई लेने के लिए आते हैं, जिसके कारण यहां भीड़ लगी रहती है। गनीमत यह रही कि शुक्रवार को दुकान में आग तब लगी जब यहां पर ज्यादातर दुकानें बंद थी। लालू के इस फैन ने सीने पर बनाया लालू यादव का टैटू। भले ही लालू प्रसाद यादव लंबे समय से बिहार की राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन आज भी उनके प्रशंसकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। इसी क्रम में बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लालू यादव के एक ऐसे फैन से मिले जिसने अपने सीने पर लालू यादव का टैटू बनवा रखा था। दरअसल तेजस्वी यादव राजद दफ्तर में मीटिंग करने के बाद पटना के आयकर गोलंबर से गुजर रहे थे। इस दौरान तेजस्वी ने अपनी गाड़ी रोककर सचिन राम से मुलाकात की। सचिन ने तेजस्वी को बताया कि वो उनके पिता लालू प्रसाद यादव के कितने बड़े फैन हैं। उन्होंने तेजस्वी को लालू के प्रति अपनी दीवानगी का इजहार किया। आपको बता दें, यह टैटू सचिन राम ने लालू यादव के 74वें जन्मदिन पर बनवाया था। सुशील मोदी की तरफ से दायर केस को लेकर राहुल गांधी आ सकते हैं बिहार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही राजधानी पटना आ सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दायर किया है, इसलिए अब राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए पटना आना होगा। इसके साथ ही सुशील मोदी ने आगे लिखा है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले पिछड़े समुदाय के लाखों लोगों को चोर बताने वाला जो शर्मनाक बयान दिया था, उस मामले में पेश होने के लिए वे सूरत पहुंचे, अब इसी तरह उन्हें पटना आना पड़ेगा। मैंने 2019 के उस बयान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। तेजस्वी ने पटना आते ही बढ़ाई टीम। तेजस्वी यादव अब बिहार आ गए हैं, जिसके बाद बिहार पहुंचते उन्होंने टीम बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने वरिष्ठ नेता विनोद कुमार श्रीवास्तव को राजद का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत कर दिया, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें सौंपी। इस दौरान मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक, प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर तनवीर हसन, शिवचंद्र राम, सुरेश पासवान, विनोद कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और कार्यालय सचिव चंदेश्वर प्रसाद सिंह उपस्थित रहे। जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ से सूची हुई जारी। जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के गठन के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया सिंह की तरफ से आज नए पदाधिकारियों के नामों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कैलाश प्रसाद पटेल, ब्रज बिहारी द्विवेदी, कृष्णकांत मिश्रा, रमेश कुमार सिंह, अजित कुमार सिंह, प्रकाश कुमार, रतन प्रसाद पटवा, डॉक्टर नर्वदेश्वर मिश्र, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार झा, प्रोफेसर उमाकांत यादव, पंकज शर्मा, डॉक्टर उमेश पंडित, रामकृष्ण महतो, रंजीत रंजन, विंदेश्वर प्रसाद सिंह, कमलेश कुमार, संतोष कुमार पांडे, नरेंद्र कुमार, राजेश चौबे, धर्मेंद्र कुमार भगत, सुरेश सिंह, ईपी के झा, रिद्धि रानी, अभिषेक कुशवाहा, रुपेश नंदन, मोहम्मद नूर आलम, सुधीर कुमार, सुनील कुमार सिन्हा, प्रोफेसर राजकुमार सिंह, मोहम्मद मजफ्फर अंसारी,
सुनील कुमार बर्णवाल, मनमोहन कुमार, प्रोफेसर मुक्तिनाथ सिंह, श्रवण कुमार, राम सेवक सिंह, विनोद कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, प्रोफेसर रामदेव प्रसाद शाह, विद्यासागर सिंह, मिश्रीलाल यादव का नाम शामिल है। आज की तारीख में भारतीय टीम ने रचा था इतिहास। भारत को आज क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हुए 38 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन साल 1983 को भारतीय टीम ने अपने नाम कपिल देव की कप्तानी में इतिहास रचा था। इसी दौरे में भारतीय टीम ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को पछाड़ते हुए भारत ने फाइनल में जगह तो बनाई ही थी, साथ ही दो बार के विजेता रही वेस्टइंडीज की टीम को हराया था। हालांकि इस मैच के दौरान भारतीय टीम मात्र 183 रन ही बना पाई थी, जिसके बाद किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि टीम यह खिताब जीत पाएगी। लेकिन कपिल देव ने विवियन रिचर्ड्स का शानदार कैच पकड़कर पूरे मैच का ही रुख बदल दिया। इस शानदार कैच को देखने के बाद मैच देख रहे दर्शक मैदान में घुस आए थे और कुछ तो कपिल के कंधों पर भी चढ़ गए थे। भारत में कोरोना के मिले 50,000 से ज्यादा मामले। भारत में कोरोना का कहर अभी जारी है। लगातार तीसरे दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 51,667 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और 1,329 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले बुधवार को 54,069, मंगलवार को 50,848 नए मामले आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 64,527 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 14,189 एक्टिव केस कम हो गए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.30% है, जबकि रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है। एक्टिव केस करीब 2% है। कोरोना एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।